सिक्स्थ एपिसोड स्टार्ट होता है और हाँ वॉल्टर और जेसी सब इक्विपमेंट्स लैब में रख रहे होते हैं, उनकी आरवी में रख रहे होते हैं। आरवी में जब सब मैस देखता है वॉल्टर, तो जेसी पे वो भड़क जाता है और उसे बोलता है कि बाहर का सब तुम संभालो और मैं हमेशा आरवी के अंदर जो लैब है उसका सब संभालूंगा। नेक्स्ट सीन आता है वॉल्टर की केमिकोथेरेपी का। उसके साथ स्काइलर भी बैठी हुई रहती है, तो वॉल्टर उसे बताता है कि तुम घर जाओ। जब वॉल्टर जूनियर घर आएगा तो उसे अपनी माँ चाहिए होगी। जब वॉल्टर पेमेंट करने जाता है, चेक जब वो लिखता है तो कैशियर को बताता है कि आप मंडे को इसे विड्रॉ करिए। यानी कि अभी भी वॉल्टर के पैसों की प्रॉब्लम चलती ही रहती है। अब जब वॉल्टर पढ़ाता रहता है, तभी कीमो के कुछ साइड इफेक्ट उसे महसूस होने लगते हैं। उसे नॉसिएटेड लगता है, तो वो बाथरूम में जाकर उसे उल्टी हो जाती है, फ्लोर सारा गंदा हो जाता है। वहाँ का जेनेटर ह्यू को उसे मदद करता है और वो सब साफ कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्काइलर और वॉल्टर एक सपोर्ट ग्रुप में दिखे हैं, कैंसर के सपोर्ट ग्रुप में। तो वहाँ स्काइलर उसे बताती है कि तुम ज़रा मुझे डिस्टिंक्ट लगते हो, कि जब तुम बहुत ही देर तक घर नहीं आते तो मैं वरीड हो जाती हूँ। तो फिर वॉल्टर उसे बताता है कि मुझे लॉन्ग वॉक करना अच्छा लगता है, जब भी मैं स्कूल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मुझे ज़रा लॉन्ग वॉक अच्छा करना अच्छा लगता है, ज़रा नेचर मुझे अच्छा लगता है देखना। जब वो नेचर की बात करता है तो कैमरा सब डेजर्ट पर आ जाता है और कि वैन में मैथ कुक हो रहा होता है। अच्छा सीन है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर अपने वैन में कुक कर रहा होता है और उसे बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, तो वो बाहर आता है खांसते खांसते और वही गिर जाता है। जैसे उसे उठने में मदद करता है, जैसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वॉल्टर उसे बताता है कि मुझे ज़रा गर्मी लग रही है। तो वो वॉल्टर को उसकी चेयर पर बैठाता है, पर उसकी चेस्ट ज़रा ओपन रहती है क्योंकि उसे गर्मी लग रही होती है। तो वॉल्टर की चेस्ट पर जैसी कीमोथेरेपी के मार्क्स देख लेता है। जैसे कि जो आंट होती है उसे भी कैंसर हुआ होता है, तो उसे पता होता है कि ये कौन से मार्क्स है, और जैसे को पता चल रहा जाता है कि वॉल्टर को कैंसर है। जैसे उसे पूछता है कि इसलिए तुम कर रहे हो, तो वॉल्टर उसे बता देता है। जो सेकंड एपिसोड में लास्ट में बच्ची को जो मास्क मिला था, वो डीए के पास होता है और उस मास्क का एनालिसिस करने के बाद उसे पता चलता है कि वॉल्टर की स्कूल में से वो चोरी हुआ था। ये फ्रैंक उसके कलीग को बोलता है कि ये तो वॉल्टर के स्कूल का था। नेक्स्ट हमें जेसी अलग अलग स्ट्रीट पर जाकर मैथ सेल करते हुए दिखता है। वो बाद में वॉल्टर को एक फ़ोन गिफ्ट करता है और उसके साथ पैसे भी देता है। जो पैसे जेसी लाता है वो वॉल्टर को बहुत कम लगते हैं, और वॉल्टर उसे बोलता है जो रिस्क मैं ले रहा हूँ, ये सब इलीगल जो मैं कर रहा हूँ, इसमें ये वर्थ नहीं है कि मैं इतने कम पैसे में ये सब नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि हमें अभी होलसेल में सेल करना चाहिए मैथ। जैसे उसे कहता है कि ये इतना आसान नहीं होता, मेरा जो ड्रग डीलर था उसे तो तुमने मार दिया, और उससे भी कनेक्शन मेरा उसके ब्रदर से हुआ था, मेरे पार्टनर से हुआ था, और मेरा पार्टनर वो थर्ड ग्रेड से मेरा फ्रेंड था। ऐसे हम किसी से भी डील नहीं कर सकते। अभी का जो ड्रग डीलर होता है वो टूको होता है, और डायरेक्टली अगर जेसी उससे जाके मिला तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए जेसी नहीं बोल देता है। इसलिए जेसी उसे बताता है कि वो इम्पॉसिबल है। फिर से हमें कीमो में वॉल्टर दिखा है, और जब वो कैश अकाउंटिंग में देता है तो वो कैश वाली बोलती है कि ये भी मंडे को करना है क्या। इससे पता चलता है कि एक रूटीन बन चुका है, कि वॉल्टर की जो मनी प्रॉब्लम है ये एक रूटीन बन चुकी है। फिर से स्कूल में वही प्रॉब्लम वॉल्टर को होती है। ह्यूगो वहाँ फिर से अवेलेबल होता है और वो वॉल्टर को च्युइंगम देता है। जब वॉल्टर ठीक ठाक हो जाता है और अपने लैब में जाता है, तभी हैंक वहाँ आ जाता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने उस मास की। हैंक उसे बोलता है कि मुझे इन्वेंटरी चेक करनी है। हैंक पता करता है कि कौन कौन चाबियाँ रखता है लैब की, तो उसमें जैनिटर्स, कुछ स्टाफ, प्रिंसिपल और वॉल्टर के पास सिर्फ चाबी रहती है। हैंक जब इन्वेंटरी चेक करता है तो उसमें बहुत सारा इन्वेंटरी मिसिंग होती है जो वॉल्टर ने ही गायब की। जेसी का एक फ्रेंड होता है स्किनी पीट, वो टुको को जानता है और इंट्रोडक्शन करने के लिए हाँ बोल देता है। तो जेसी टुको को मैथ देता है और टेस्ट करने को बोलता है। मैथ टेस्ट करने के बाद टुको को उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। फिर जेसी उसे प्राइस बताता है, 35K पर पाउंड उसको वो बताता है। टुको उसको बोलता है कि ठीक है और वहाँ से निकल जाने को बोलता है। जेसी फिर उससे पैसे मांगता है। टुको बोलता है कि
को बोलता है कि अपफ्रंट हम पैसे नहीं देते, जब भी ये सब सेल हो जाएगा तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जैसी चिढ़ जाता है और डील कैंसिल करने को बोलता है। जब टुको नहीं मानता वो मैथ लेके भागने की कोशिश करता है। टुको उसे बहुत मारता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हैंक अरेस्ट कर रहा होता है ह्यूगो को, वही जेनेटर जो वॉल्टर को हमेशा मदद करता रहता है। जब जब वॉल्टर की प्रिंसिपल हैंक से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि इसका हमने बैकग्राउंड चेक किया, तो इसने गन्स प्रीवियस में रखी थी और इस पर बहुत सारे चार्जेस थे, तो उन्होंने उस सस्पिशन में ह्यूगो को अरेस्ट किया होता रहता है। वॉल्टर 2-3 बार जेसी को कॉल करता है पर फिर भी जेसी पिक नहीं करता क्योंकि वो हॉस्पिटल में होता है। तो उसका फ्रेंड वॉल्टर को कॉल करता है और बताता है कि कहाँ वो एडमिट है। तब जेसी का फ्रेंड उसे टाको के बारे में बताता है। वॉल्टर अपना हेड शेव कर लेता है क्योंकि फ्यूचर में उसके उसे ये कंसिक्वेंसेस बियर तो करने ही होंगे, तो वो पहले ही ये कंसिक्वेंसेस से सामने जाता है। यही सीन रिप्रेजेंट करता है जो अगला सीन हमारा आने वाला है, जिसमें वो टुको से मिलने जाता है। एपिसोड के फर्स्ट में हमें बताया था वॉल्टर ने ही कि वो सिर्फ लैब में काम करेगा और बाहर का सब जैसी करेगा, पर उसे मालूम होता है कि कभी ना कभी उसे बाहर से भी डील करना होगा। तो जब वो हेयर शेव करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो कंसिक्वेंसेस को बेयर करने को रेडी है, बाहर का भी काम संभालने को वो रेडी है। तो वॉल्टर टुकू को मिलने जाता है, वहाँ जाके बोलता है कि मुझे टुकू से मिलना है और जब तक मैं टुकू से नहीं मिल पाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। टुकू वॉल्टर से उसका नाम पूछता है तो वो हाइजनबर्ग बताता है। फिर से मैथ वॉल्टर ने लाया हुआ रहता है टुकू के लिए, तो टुकू उससे पूछता है कि इस मीटिंग तो तुमने ही बुलाई है, तो इसका पर्पस क्या है। तब हैंक बोलता है कि मुझे $50,000 चाहिए, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 पाउंड मैथ है उसका 35,000 और 15,000 मेरे फ्रेंड को जो तुमने डैमेज किया उसका। और फिर उस पर टुको हंसता है और उसे सीरियसली नहीं लेता, उसका मजाक उड़ाता है कि तुम और मैथ लेके आए जब मैंने पहले ही ना पे करते हुए तुम्हारे पार्टनर को हर्ट कर दिया था। वॉल्टर उसे बताता है कि ठीक है तुम सही हो, पर एक बात के बारे में नहीं। वॉल्टर एक मैथ का बड़ा क्रिस्टल लेता है और उसको ग्राउंड पे डालता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है टुको के ऑफिस को। वॉल्टर के पास उन क्रिस्टल्स की पूरी बैग होती है, तो सब डर जाते हैं और टुको उसको पूरे पैसे दे देता है। टुको उससे बोलता है कि जो तुम मैथ बनाते हो मुझे ये और भी चाहिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बिक रहा है। वॉल्टर उसे बोलता है कि अब तुम्हें 2 पाउंड लेने होंगे, और वहाँ से फिर वॉल्टर चला जाता है। ये एपिसोड एपिसोड नंबर 6 यही ख़त्म हो जाता है।